गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, नमस्कार भी, नमस्कार। कुसुम, राम राम। मनीष, खुश रहो बालक। सुरेश, गुड मॉर्निंग। आर यू, गुड मॉर्निंग। नार सिंह, गुड मॉर्निंग। अमर यादव, गुड मॉर्निंग। परवीन, गुड मॉर्निंग। यार राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। नमस्कार भी, लिंक को आगे शेयर कर दें, सभी को पता लग जाए। क्लास शुरू हो गई है, डेली 8 बजे लाइव रहा करो, डेली 8 बजे लाइव रहा करो भी। रानू, गुड मॉर्निंग। सौरभ, गुड मॉर्निंग। डीएमसी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार भी, नमस्कार। हाँ जी, इंट्रोडक्शन तो उस दिन भी कर लिया था अपन ने। आशीष, गुड मॉर्निंग। रत्नाकर, गुड मॉर्निंग। रिंकू, 10:30, सेकंड ईयर का 10:30। रिंकू सैनी, 10:30। आर्यन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। अपना लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने सिलेबस क्या है और ऑर्गेनिक में कितनी यूनिट है और कौन कौन सी यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। आज अपन को पहला चैप्टर शुरू करना है, आज अपन को पहला चैप्टर शुरू करना है, वो है इनोलेट वाला। कौन सा है? इनोलेट वाला। डियर स्टूडेंट, गौर करना, इनोलेट का जो बेसिक है ये बहुत ज़्यादा काम में आएगा। यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर जिसका नाम था क्या भी, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट के द्वारा कार्बनिक संश्लेषण, ये अपने चैप्टर का नाम था। ये शुरू करना है। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा अपना, वो क्या है भी, वो अपना है इनोलेट क्या चीज़ है। सबसे पहला अपना पॉइंट है इसमें, इनोलेट है क्या। तो सुनना भी इधर, इनोलेट क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, कार्बोनिल, जनरली बता रहा हूँ, सामान्यतः कार्बोनिल यौगिकों के द्वारा या व्युत्पन्न यौगिकों के द्वारा, यानी सी डबल बॉन्ड ओ वाले जो व्युत्पन्न यौगिक हैं, व्युत्पन्न डेरिवेटिव्स यौगिकों के द्वारा इनोलेट का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूँ, कार्बोनाइल कंपाउंड हो उन यौगिकों में क्या बनता है, डियर स्टूडेंट, इनोलेट बनता है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स और कार्बोनाइल कंपाउंड के जो डेरिवेटिव्स है वो क्या बनाते हैं भी, इनोलेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखना भी। गुड मॉर्निंग भी, नमस्कार। अर्चना, गुड मॉर्निंग। अंतिम, गुड मॉर्निंग। खुशी, नमस्कार भी। अनमोल मंगल, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश शर्मा, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहली बात, इनोलेट है क्या चीज़, बनाते कौन है, ये अपन को पता लग गया कि कार्बोनाइल्स और कार्बोनाइल कंपाउंड से बने हुए यौगिक, यानी वे कंपाउंड जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ पाया जाता है, वे यौगिक क्या बनाते हैं भी, इनोलेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट, एक बार एग्जांपल से देखना, फिर आगे डिस्कस करते हैं। मैंने एक कंपाउंड लिया है, यहाँ पर एच और यहाँ पर है सी डबल बॉन्ड ओ, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या जुड़ा, भूल जाओ उस चीज़ को, ये अल्फा हाइड्रोजन है,
सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। सी डबल बॉन्ड ओ के पास वाला कार्बन क्या बोलोगे डियर स्टूडेंट? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को, अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को अपन क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। इस पर रिएक्शन करवा दीजिए किसकी? OH माइनस। OH माइनस कौन है भी? बेस। OH माइनस कौन है डियर स्टूडेंट? बेस। क्षारीय प्रकृति का कोई आयन है OH माइनस। OH माइनस आयन का काम क्या है? OH माइनस आयन मोर एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर लेगा? खींच लेगा। अल्फा हाइड्रोजन कैसा है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कैसा है डियर स्टूडेंट? मोर एसिडिक हाइड्रोजन है। ये सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप का काम करता है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप की तरह काम करता है। डियर स्टूडेंट मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ जो सी डबल बॉन्ड ओ है उसका काम क्या? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम कर रहा है। इसके पास वाले कार्बन से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होने लग जाएगी, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनता हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की जब कभी भी डेफिशिएंसी होती है तो पुराने बंद ओल्ड बॉन्ड जो आसानी से टूट जाए उस बंद से, उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाता है। तो ये कार्बन क्या करेगा भी? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे खींचेगा भी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये लीजिए OH माइनस आयन, ये अटैक कर जाएगा इस हाइड्रोजन पर। जैसे ही इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस दोनों मिलके क्या बना लेंगे भी? ये मिलके बना लेंगे H2O। वाटर बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन निकला है किस में? एच प्लस में। हाइड्रोजन निकला है डियर स्टूडेंट किस में? एच प्लस में। हाइड्रोजन एच प्लस में निकलेगा तो इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर क्या बना लेंगे? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही एच प्लस आयन निकलेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर क्या बना लेंगे? नेगेटिव चार्ज। ये लीजिए भी कार्बन और नेगेटिव चार्ज और आगे क्या है भी? सी डबल बॉन्ड ओ और ये लीजिए ये बन गया। अब इसमें आगे देखना भी, वी नो दैट, हम जानते हैं, मतलब तुम लोग जानते हो, क्या जानते हो भी? नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन है, नेगेटिव सिंगल डबल अनुनाद की स्थिति है। तो यहां पर रेजोनेंस करवा दो, नेगेटिव चार्ज बना लेगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या बना लेगा भी? नेगेटिव चार्ज। ये आ जाएगा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है भी, अब सुनना भी, ये जो आयन है वो कैसा है? रेजोनेटिंग स्टेबल है। ये आयन कैसा है डियर स्टूडेंट? रेजोनेटिंग स्टेबल है, अनुनादी स्थाई है। रेजोनेटिंग स्टेबल, अनुनादी स्थाई, कैसा है डियर स्टूडेंट? ये है अनुनादी स्थाई, रेजोनेटिंग स्टेबल है। अब अगली बात सुनना भी, डबल बॉन्ड को बोला जाता है इन और ऑक्सीजन नेगेटिव उसको बोला जाता है ओलेट। एटी जिस नाम के आगे लग जाए उस पर नेगेटिव चार्ज। दोबारा सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसके नाम के, जब नाम लिखते हैं तो उसमें एटी आता है। इनोलेट, इन प्लस ओलेट, इन प्लस ओलेट, ओएल, ओएल तो अर्थ हो गया ओएच का, एच हटा दिया तो ऑक्सीजन नेगेटिव ओलेट, तो नाम क्या हो जाएगा अभी इसका? इन प्लस ओलेट, ओलेट। और एटी ये बता रहा है ऑक्सीजन पर क्या? नेगेटिव चार्ज। पूरा नाम क्या हो जाएगा भी? इनोलेट। पूरा नाम क्या हो जाएगा? इनोलेट। इसका अर्थ हो गया इनोलेट एक रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर है। इनोलेट क्या है? रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है भी, याद रह जाएगी ना बात? तो पहली बात अपन लिखेंगे इसके बारे में, फिर अपन डिटेल में चलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि इनोलेट बनते कैसे हैं। अगर आपको मैकेनिज्म समझनी है, अगर आपको बीएससी थर्ड ईयर में जो जितने भी मैकेनिज्म है उनका बेसिक समझना है तो इस चैप्टर में बहुत है समझने वाला। अगर आप और मैं
दोनों लगातार अच्छे से एक एक चीज इसमें समझें तो आपके एक एक वर्ड्स दिमाग में बैठा देंगे और पूरा अगले वाले जितने भी चैप्टर मैकेनिज्म में आनंद आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या सबके? भाई समझ में आ गया क्या? अभी मोहम्मद गुड मॉर्निंग, रोहन सेकंड ईयर की 8-10, सोनू कुमार गुड मॉर्निंग, शर्मान जी सर नमस्कार जी, आशित राज गुड मॉर्निंग, अजय वर्मा गुड मॉर्निंग, प्रवीण मीना इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में तो बोल रहे हैं भाई, दिव्या हाँ, चलिए भी हाँ भी, इसमें लिखना भी जनरली, पहली लाइन लिखना भी इंग्लिश वाले, जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव, जनरली कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स फॉर्म इनोलेट, फॉर्म इनोलेट, जनरली कार्बोनाइल्स एंड इट्स डेरिवेटिव फॉर्म इनोलेट। आगे नेक्स्ट लिखना भी, नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखना, सी डबल बॉन्ड ओ के, सी डबल बॉन्ड ओ के निकटतम कार्बन पर अम्लीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ के निकटतम कार्बन पर अम्लीय हाइड्रोजन पाए जाते हैं, इंग्लिश वाले लिखेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन एटम, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट एट एडजेसेंट कार्बन ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ, ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ। अगला लाइन लिखना, यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखा जाता है, यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखा जाता है, इफ इट इज कैप्ट इन बेसिक मीडियम, इट इज कैप्ट इन बेसिक मीडियम, यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखा जाता है, इफ इट इज कैप्ट इन बेसिक मीडियम, तो इनोलेट आयन का निर्माण होता है, इनोलेट आयन का निर्माण होता है, देन इनोलेट आयन ऑब्टेन, देन इनोलेट आयन ऑब्टेन, तो इनोलेट आयन का निर्माण होता है। अगला, हाँ भी मैंने जो बोला है वो मैच कर लेना, क्या बोला है मैंने, सी डबल बॉन्ड ओ के निकटतम कार्बन पर अम्लीय हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन, जो क्षारीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में क्या करता है भी, इनोलेट आयन का निर्माण करता है, विच फॉर्म इनोलेट आयन व्हेन इट इज कैप्ट इन बेसिक, वो कैप्ट इन बेसिक मीडियम, अगर इसे क्षारीय माध्यम में रखा जाता है तो क्या बनेगा, इनोलेट आयन। इससे आगे लिखना भी कंटिन्यू लिखो, इनोलेट एक मध्यवर्ती संरचना है, इनोलेट एक मध्यवर्ती संरचना है, इनोलेट इज रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर, इनोलेट इज रेजोनेटिंग स्टेबल स्ट्रक्चर। आकाश कुमार यादव एकदम करेक्ट आ रही है भाई साहब, मैंने भी साथ में चला रखी है। अमन यादव गुड मॉर्निंग, प्रदीप 8 बजे है भाई, आर्यन हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दिया भाई, सुरेश ठीक है भाई, निर्मा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भी नीचे लिखेंगे लाइन, क्या लिखेंगे, इनोलेट इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इनोलेट इज इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, इनोलेट एक मध्यवर्ती संरचना है जो अनुनादी स्थाई है, विच इज रेजोनेटिंग स्टेबल, जो अनुनादी स्थाई है, विच इज रेजोनेटिंग स्टेबल। ठीक है भी, हाँ भी अगला नेक्स्ट एक लाइन और लिखें, इनोलेट आयन का निर्माण, इनोलेट आयन का निर्माण अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है, अल्फा हाइड्रोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भी, नीचे ये लिख दें डियर स्टूडेंट,
ये पूरा लिख दें, फिर मैं आपको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड से इनोलेट कैसे बनता है वो बता दूंगा। यूटीपी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीजे, गुड मॉर्निंग आकाश कुमार, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार लिख डालें भी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लिख दें भी फटाफट, फिर चलते हैं आगे, फिर चलते हैं भी आगे चलते हैं। समझ में आ गई ना बात, कमेंट कर दें तुरंत, जिससे पढ़ने में आनंद आए तुम्हें। समझ में आ गई ना एक एक बात, अब मैं डिफरेंट टाइप के इनोलेट्स बताऊंगा, जैसे ही समझ में आता है तुरंत कमेंट करोगे, यस सर मज़ा आ गया सर, ठीक है। चलें क्या अभी, लिख दिया सभी ने, बता दें भी, फिर मैं आपको बताता हूँ इनोलेट आयन अलग अलग प्रकार के, इनोलेट आयन बताता हूँ अलग अलग टाइप के। फटाफट कमेंट करें भाई, कमेंट करें, समझो इतना अच्छे से कि आप बिना देखे आराम से लिख लो, समझो इतना अच्छे से कि बिना देखे आराम से ये पूरा लिख लो भी, ठीक है भी। हाँ जी, बता दें फटाफट, कमेंट कर दें भाई, चलूँ आगे। हाँ जी, कमेंट कर दें फास्ट, कमेंट के लिए कहना ना पड़े, ना ही कमेंट में कोई कंजूसी होनी चाहिए। चलें फिर आगे, हाँ भी नेक्स्ट। अब हमेशा याद रखना अपना वैसे टॉपिक है कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन की अम्लता। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि अल्फा हाइड्रोजन किस पर डिपेंड करेगा, एसिडिक नेचर क्या है, कैसे निकालेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और हमेशा यही वर्ड याद रखोगे कि अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके भी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई प्रभाव के। और माइनस आई प्रभाव का अर्थ हो गया ईडब्ल्यूजी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भी, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव के विद कर्मानुपाती है। और ग्रुप में क्या बोल सकते हैं, ईआरजी, ईडब्ल्यूजी का अर्थ है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉविंग ग्रुप, ईआरजी का अर्थ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ईडब्ल्यूजी का अर्थ क्या है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ईआरजी का अर्थ क्या है इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ठीक है भी। अब माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट वाले में एक चीज और याद रखनी, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के ए, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के बी। एसिडिक नेचर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी, के ए के, किसके हैं, के ए के। के ए कौन है सर, के ए है एसिडिक कांस्टेंट, के ए कौन है बेटा, एसिडिक कांस्टेंट के, एसिडिक कांस्टेंट अम्लीय नियतांक है। और के बी कौन है भी, बेसिक कांस्टेंट, के बी कौन है, बेसिक कांस्टेंट है, क्षारीय नियतांक, क्षारीय नियतांक, याद रह जाएगी ना बात भाई। और हमेशा याद रखना एक बात और, माइनस लॉग के ए, माइनस लॉग के ए, नेगेटिव लॉगारिदम ऑफ के ए, नेगेटिव लॉगारिदम ऑफ के ए, इसको अपन बोलेंगे पी के ए, पावर ऑफ, पावर ऑफ के ए, पी के ए, पावर ऑफ के ए। और यहां पर अपन बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, पी के ए के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके भी, पी के ए के। ये वर्ड हमेशा याद रखोगे, हमेशा 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 याद रखोगे, ठीक है भी। चलें फिर आगे, आकाश कुमार यादव, चलो भी आगे।
हाँ जी चलिए भी। अब एसिडिक नेचर वाले में मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि ये साथ में याद रखना। सबसे पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पर कीटोन का, पहला एग्जाम्पल बता रहा हूँ किसका भी, कीटोन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कीटोन में मैंने लिया है डियर स्टूडेंट सी एस थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री, और सी डबल बॉन्ड ओ के जो पास वाला कार्बन है ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन है। और इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, सी टू एच फाइव ओ एन ए, नाम क्या है भी, सोडियम इथोक्साइड, नाम क्या है इसका, सोडियम इथोक्साइड, और इसको अपन बोलते हैं एसीटोन, इसको अपन क्या बोलते हैं भी, एसीटोन। और इसमें बनेगा क्या भी, इनोलेट आयन बनाना है अपन को, इनोलेट आयन बनाना। सबसे पहले क्या बनाना है, इनोलेट। बना कैसे तो एक बार सुनना भी, सी टू एच फाइव ओ एन ए ये आयनिक प्रकृति का है, आयनिक नेचर का है। जो आयनिक प्रकृति के होते हैं वो आयनों में डिसोसिएट हो सकते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं एन ए प्लस और सी टू एच फाइव ऑक्सीजन नेगेटिव। और जैसे ही समझ में आ जाए कमेंट कर देना, जैसे ही ये रिएक्शन समझ में आए कमेंट कर देना, सी टू एच फाइव ऑक्सीजन नेगेटिव प्लस एन ए पॉजिटिव, और ये कैसा है भी, बेसिक है, क्षारीय प्रकृति का है, बेसिक नेचर है इसकी, इसकी नेचर कैसी है भी, क्षारीय प्रकृति है, बेसिक नेचर है। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन से, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेगा, अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन को विड्रॉ कर लेगा, अल्फा हाइड्रोजन को खींच लेगा। प्रवीण मीना ऊपर वाला नहीं लिखा, चलो मैं ऊपर कर दूंगा, एक बार ये समझा लूं मैं। दीप्ति गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है भी। अब ये सी टू एच फाइव ओ नेगेटिव ये वहां पर अटैक करेगा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, सी टू एच फाइव ऑक्सीजन नेगेटिव वहां पर अटैक करेगा जहां पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो, जो इजिली आसानी से रिमूव हो जाए। तो ये कहां पर अटैक करेगा देखना भी, ये अटैक करेगा एसीटोन के अल्फा कार्बन पर, मैंने लिखा है सी एस टू एच और सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री, दोनों एक जैसे हैं, कोई सा भी कार्बन ले लो, प्लस सी टू एच फाइव ऑक्सीजन नेगेटिव, और ये क्या करेगा भी, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, ये अल्फा कार्बन है और सी डबल बॉन्ड ओ कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ कैसा है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जैसे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी हाइड्रोजन निकलेगा किसमें, एच प्लस में, क्यों निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कौन, सी एस टू, क्यों खींच लेगा, क्यों विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि एच प्लस आयन निकाल कर अपनी डेफिशिएंसी पूरा करेगा, एच प्लस आयन रिमूव करके अपनी डेफिशिएंसी कंप्लीट करेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही सी एस टू नेगेटिव पर जाएंगे तो ये बन जाएगा आयनिक सी एस टू नेगेटिव सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस थ्री, एच प्लस और सी टू एच फाइव नेगेटिव ये बना लेंगे डियर स्टूडेंट क्या भी, सी टू एच फाइव और ओ एच, सी टू एच फाइव ओ एच, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आए उसको अपन क्या बोल सकते हैं, कार्ब एनाइन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट, कार्ब रिनाइन, कार्ब एनाइन, कार्ब रिनाइन या कार्ब एनाइन बोल सकते हैं। अब अगली बात, अपन ये जानते हैं, कौन सी बात जानते हो, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन है, नेगेटिव सिंगल डबल अनुनाद की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए सी एस टू डबल बॉन्ड सी और ये लीजिए ऑक्सीजन नेगेटिव और सी एस थ्री,
ये बन जाएगा भी, ये कैसा है, रेजोनेटिंग है, स्टेबल है, अनुनादी स्थाई है, रेजोनेटिंग स्टेबल है, अनुनादी स्थाई है, अनुनाद करवा दिया। और इसी को अपन क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको अपन बोलते हैं इनोलेट, इसको अपन क्या बोलते हैं इनोलेट। याद रह जाएगी बात, भी याद रह जाएगी बात, समझ में आते ही फटाफट क्या कर दें, कमेंट कर दें, कमेंट में किसी भी टाइप की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अमरजीत मौर्य, रंजीत कुमार मिश्रा, फाइनल ईयर, हाँ फाइनल ईयर का सिलेबस बता चुका हूँ बेटा, अजय कीचड़, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ भी, अब इस पर अटैक करेगा कौन, Na प्लस, CH2 नेगेटिव और C डबल बॉन्ड O और CH3 प्लस Na पॉजिटिव, ये जो Na था ना ऊपर वाला, वो Na प्लस अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक किया ये बन जाएगा CH2 और Na और ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और CH3, ये सोडियम सोडियम सॉल्ट बन गया, ये सोडियम लवण बन गया, सोडियम सॉल्ट बन गया। एक बार दोबारा देखना डियर स्टूडेंट, और फिर बाद में एक साथ लिख लेना, आप कमेंट कर दिया करें कि भी समझ में आ गया, जिससे मुझे पता लग जाए, उससे मोटिवेशन भी मिलता है टीचर को, उससे मोटिवेशन भी मिलता है। मैं बता दूंगा तब लिखना शुरू कीजिए। मैंने देखो कीटोन एग्जाम्पल लिया इनोलेट को समझाने के लिए, एक मैंने लिया सोडियम इथोक्साइड जो आयनिक नेचर का है, Na प्लस आइन डोनेट कर C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव बनाता है। यहाँ पर एसीटोन लिया है, एसीटोन में दो अल्फा कार्बन है और इन दोनों की रिएक्शन से अपन को क्या बनाना है, इनोलेट बनाना है। हाँ भी, फिर मैंने क्या किया, C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव जो आयनिक नेचर का है उसके दो पार्ट बना लिए, एक Na प्लस और एक C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव। C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव वहां पर अटैक करता है, C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव वहां पर अटैक करता है जहां पर मोर एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी H प्लस साइन को खींचता है। अपने यहां पर एसीटोन में C डबल बॉन्ड O की नेचर कैसी है, इलेक्ट्रॉन खींचने के, कहां से खींचेगा, पास वाले अल्फा कार्बन से। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पास वाले जो कार्बन एटम्स हैं उन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी। वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को अपन पूरा कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनों की कमी को अपन पूरा कर सकते हैं कहाँ से, अल्फा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचकर, हाइड्रोजन को निकालेंगे किस में, एच प्लस में। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस CH2 पर क्या बना लेंगे, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी कंप्लीट हुई। ये एच प्लस और ये C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव ये बना लेता है क्या भी, ये लीजिए एथेनॉल। ऑक्सीजन कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, सिंगल डबल, ये अनुनाद की कंडीशन है, रेजोनेंस की कंडीशन है। ये नेगेटिव चार्ज बनाएगा डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगा इनोलेट। ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्टेबल है, अनुनादी स्थाई है। अगर इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दूं तो क्या बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, Na प्लस और C2H नेगेटिव, ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। हाँ भी, अब समझ में आ गया क्या, कमेंट कर दें और इसको लिख डालें, कोशिश करें बिना देखे लिखने की, कोशिश करें बिना देखे लिखने की। हाँ भी, कमेंट कर दें भी फटाफट। आचार्य सिंह, गुड मॉर्निंग, रवीना गुड मॉर्निंग, पेन से लिखेगा और किससे लिखेगा भी, हाँ भी लिख डालें। अवधेश, प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, नीरू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गोपालपुरा, नीरू गोपालपुरा, गुड मॉर्निंग, हमें लिख डालें, लिख दीजिए, बिना देखे लिखने की कोशिश करें, बिना देखे लिखने की कोशिश करें। वेरी गुड, विक्ट्री विक्ट्री, जीतने की आदत डाल लो, जीतने की आदत डाल लो। इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, हाँ भी इंटेलिजेंट बच्चे हो भी, कमेंट कर दें डियर स्टूडेंट, कमेंट कर दें फटाफट और बिना देखे लिख दें।
वेरी गुड वेरी गुड। अतिका मंसूरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी यस सर यस सर वेरी गुड भी। हाँ जी लिख दिया भी, ये लिख दिया। हाँ भी इसमें एक नीचे यहाँ पर लाइन ऐड कर दें डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लाइन ऐड कर देना इस गए पी के बगल में। वे यौगिक जिनके पी के ए का मान कम होता है, यहाँ पर एक लाइन लिख देना। वे यौगिक जिनका पी के ए का मान, जिनका पी के ए का मान कम होता है, पी के ए का मान कम होता है। आसानी से H प्लस आयन का त्याग करते हैं, आसानी से H प्लस आयन का त्याग करते हैं। हाँ भी इंग्लिश वाले बोलेंगे क्या भी, दोज कंपाउंड हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ, दोज कंपाउंड Having lower value of pKa, those compound having lower value of pKa, they easily release H plus ion, they easily release H plus ion. अब नीचे वाली मैकेनिज्म लिख दें भी, अब नीचे वाली मैकेनिज्म लिख दें और आदर डालें बिना देखे लिखने की, आदर डालें बिना देखे लिखने की। ये लीजिए भी पूरा लिख दें। अब मैं जहां कहीं पर भी पी के ए साथ में लिखूं, जब पी के ए साथ में लिखूं तो समझ जाना मैंने एसिडिक नेचर के लिए लिखा है। एसीटोन का पी के ए 20 होता है, एसीटोन का पी के ए कितना होता है भी 20 होता है, एसीटोन का पी के ए 20 होता है। अयांश गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नमस्कार भी। राधे 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 राधे। हाँ जी ये लिख डालें भी नीचे वाला पूरा और फिर अपन आगे चलते हैं। मैं और कंपाउंड्स का बताता हूँ, फिर कंपैरिजन करना कौन H प्लस आयन ईजली दे सकता है, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन ईजली इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है भी, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। चलें भी आगे, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इथाइल एसीटेट का, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ इथाइल एसीटेट का। हाँ भी ये लिख दिया सभी ने। ओ भाई प्रवीण मीना लिख दिया क्या भाई, वो पीछे रह जाता है अभी, बहुत धीमे लिखता है, बहुत ही धीमे लिखता है। तो लिखना भी इसमें क्या लिखेंगे, इथाइल एसीटेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना इथाइल एसीटेट, नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड लिखिए इथाइल एसीटेट। और स्ट्रक्चर कैसी होती है भी, सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन सी टू एच फाइव, इसका पी के ए का मान 25 होता है, कितना है 25।
अब मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनना। यहां पर जिनका पी के ए का मान कम हुआ वो आसानी से एच प्लस आयन देगा, और आसानी से अर्चना नहीं लिखा अभी तक भी, हम भी डीएचजी चेतन फटाफट लिख दे भाई। देख के क्या लिखना, इतना सिंपल सा टॉपिक और उसको भी देख के लिख रहे हो। तुम देश के महान वैज्ञानिक बनोगे भाई, और महान वैज्ञानिकों की ऐसी आदतें अच्छी नहीं लगती, ऐसी आदतें अच्छी नहीं लगती। लिख दिया ना ये नीचे, ऊपर वाला तो लिख दिया होगा, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव वाला जो अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, CH2 पर नेगेटिव चार्ज आता है, C2H5OH बाहर निकल जाएगा, फिर इनोलेट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देना, फिर CH2 नेगेटिव से Na+ आयन अटैक करवाना और CH2 Na बन जाएगा। ठीक है, अब तो हो जाएगा भाई। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अब एसीटोन में पी के ए का मान 30 था। एसीटोन में पी के ए का मान कितना था, सॉरी 25 था। कितना था? 25 था, 25 तो इसका, उसका 20 था। एसीटोन का कितना था? 20, और इथाइल एसीटेट का 25। इसका अर्थ ये हो गया कि यहां पर एच प्लस साइन देने की टेंडेंसी थोड़ी सी घट गई, देगा जरूर, बट यहां पर एच प्लस साइन एसीटोन के कंपेरिजन में देरी से देगा, इनोलेट बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ऐसे कह दूं, रेट ऑफ रिएक्टिविटी अगर निकालें, अगर अभिक्रिया की दर निकालें, तो एसीटोन की ज्यादा होती है किससे, इथाइल एसीटेट से। हाँ भी, अब इसकी रिएक्शन करवानी है अपन को किसके साथ, C2H5ONa से, और बनेगा क्या भी, वही अपन को तो इनोलेट बनाना है। क्या बनाना है? इनोलेट बनाना है, वही जो पिछला मैंने तरीका बताया, C2H5ONa, और ये बनेगा C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, और ये कैसा है गुरुजी, बेसिक है, क्षारीय प्रकृति का। कहाँ पर अटैक करेगा बेटा जी? सर ये अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा। बेटा इसमें बता, अल्फा कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन कौन सा है? तो ये एस्टर ग्रुप हो गया, इस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं, और एस्टर के पास वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। अब कई टाबर गलती कर जाते हैं, C2H5 को अल्फा बोल देते हैं, ये आप मत करना। सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर पूरा एस्टर है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, आर मतलब C2H5, ये पूरा कैसा है, ये पूरा कैसा है, तो आप कहोगे ये एस्टर है, और एस्टर के पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है। तो ये कार्बन कैसा है डियर स्टूडेंट? सर ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पर अटैक करवाना है C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव को। ये अटैक करेगा किस पर, अल्फा का, अल्फा कार्बन पर, यहां से एच प्लस और ऑक्सीजन नेगेटिव, ये क्या बना लेगा अभी, ये बना लेगा C2H5OH, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस CH2 पर क्या बना देंगे, नेगेटिव चार्ज, CH2 पर क्या बना देंगे, नेगेटिव चार्ज। तो ये लीजिए भी CH2, और ये लीजिए नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ C2H5, और ये कैसा है, रेजोनेटिंग है ना, ये कैसा है भी, अनुनादी है, रेजोनेटिंग है। तो ये लीजिए अनुनादी स्ट्रक्चर, नेगेटिव सिंगल डबल, ये बना ले डबल बॉन्ड और ये बना ले क्या, नेगेटिव चार्ज। तो CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन नेगेटिव और OC2H5, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनोलेट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनोलेट। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है भी, इसकी रिएक्शन करवा दो Na+ से, किससे करवा दूं, Na+ से, CH2 नेगेटिव और Na+, ये बना लेगा क्या भी, CH2Na और C डबल बॉन्ड O और OC2H5, ये बन जाएगा सोडियम कंपाउंड। मेरी यहां पर बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं,
मेरी बात सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर टाइम क्या है लाइव क्लास का, 8 बजे, 8 बजे। नरपत कुमार गुड मॉर्निंग, योगेश मीना, योगेश मीना हरिओम से नहीं, रिपीट रिपीट कर देंगे मैं, कुसुम वेरी गुड, बंटी माली गुड मॉर्निंग, हाँ जी योगेश 10:30 बजे, ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा मैं। एक टाबर कह रहा है दोबारा रिपीट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, रेट मैंने सबसे पहला वर्ड बोला है रेट, दर किसकी ज़्यादा होगी, मतलब आसानी से इनोलेट कौन बनाएगा जिसमें पी के ए का मान कम होगा। एसीटोन आसानी से इनोलेट बना लेता है इन कंपेरिजन ऑफ किसके, इथाइल एसीटेट के। सर ऐसा क्यों, बेटा जी इसके पी के ए का मान होता है कितना, 25, पी के ए का मान 25। आपको रट्टा मारना है ना, रट्टा मारना है, एक दो का याद रख लेना बस, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है कि ए का मान प्रैक्टिकल वैल्यू है, पीएच ये सारी प्रैक्टिकल वैल्यू है। तो यहां पर क्या कहेंगे भी, ये आसानी से इनोलेट बना लेता है इसके कंपैरिजन में, और पी के ए इसका है 20। क्यों बना लेता है, क्योंकि इसके पी के ए का मान कम है, और जिसका पी के ए का मान कम होता है वो एच प्लस आयन आसानी से त्याग देता है। फिर मैंने एग्जांपल समझाया, ये ऐड करना है आपको ध्यान रखना, इथाइल एसीटेट का, इथाइल एसीटेट लिया प्लस C2H5O Na के साथ रिएक्शन करवाई, और ये पूरा है एस्टर, एस्टर के पास वाला कार्बन कैसा है, अल्फा कार्बन। अब ये C2H5ONa अपन ने पहले भी बता दिया कि ये कैसा है, आयनिक नेचर का, आयनिक प्रकृति का है, ये टूटेगा C2H5OH- Na+ में, और ये C2H5 कैसा, बेसिक नेचर का, ये कहाँ पर अटैक करेगा, ये वहाँ पर अटैक करेगा, ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर क्या हो भी मोर एसिडिक हाइड्रोजन उपस्थित हो, यानी अल्फा हाइड्रोजन पर। और ये CO ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा H प्लस में, C2H5 ऑक्सीजन नेगेटिव और H पॉजिटिव ये बना लेंगे क्या भी, C2H5OH ये बाहर निकलेगा, ठीक है। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन CH2 पर बना देंगे क्या, नेगेटिव चार्ज, CH2 पर नेगेटिव, सिंगल डबल रेजोनेंस की कंडीशन है, अनुनाद की कंडीशन है, ये CH2 बनाएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और अगर इस CH2 नेगेटिव की Na+ से रिएक्शन करवा दें तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट। बताएं बात समझ में आ गई क्या भी, ये ऊपर वाला भी लिख डालें, ये ऊपर वाला भी लिख डालें, बात समझ में आ गई क्या। यहाँ सर Na ऑक्सीजन पर क्यों नहीं जाता, बेटा उससे अनुनादी बनाया ये, तो देखो मूल जो स्ट्रक्चर है वो ये है, इसका रेजोनेटिंग इनोलेट है, मेरी बात सुनना भी डियर स्टूडेंट, ये दोनों इनोलेट का पार्ट है, ये दोनों स्ट्रक्चर इनोलेट का पार्ट है। एक टाबर पूछ रहा है Na इस पर क्यों नहीं अटैक करता, तो मेरी बात सुनना, इससे बनाए ये और ये है ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। क्यों है ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें इधर भी तो अनुनाद है, इधर भी अनुनाद है और इधर भी अनुनाद है। दूसरा इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का कारण ये है कि ये बनने वाला जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल कंपाउंड से बनता है, इसका चार्ज इसके कंपेरिजन में क्या रहता है, कम रहता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, वो क्रियाशील ज़्यादा है, ठीक है। अब ये CH2 नेगेटिव किससे अटैक करेगा भी, Na+ के साथ रिएक्शन करके बनाएगा CH2Na, मूल कंपाउंड है, मूल कंपाउंड से बनने वाला है, मूल यौगिक से बनने वाला आयन है ये, जो रिएक्शन करेगा किससे, Na+ से। हाँ भी बताएं भी फटाफट, बताएं फटाफट, अब बिना देखे लिखें भी, मज़े उसी में जब बिना देखे लिखोगे, मज़े उसी में हैं
जब बिना देखे लिखोगे। फिर आपको दो सवाल दूंगा, फिर आपको दो सवाल दूंगा मैं, सवाल दूंगा दो, सवाल आपको दूंगा दो, ठीक है भी? लिख डालें फटाफट। रेट वाला ऊपर वाला लिख दिया था ना, रेट कौन एच प्लस आइन इजिली देगा, कौन धीमी गति से, कौन तेज गति से, ये आपको पता रहना चाहिए। राधे 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 राधे। हाँ भी, अब आपको घर के लिए सवाल देखिए। इनोलेट आयन बनाना है, एक तो है सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, सी एस टू और सी डबल बॉन्ड ओ और सी टू एच फाइव प्लस सी टू एच फाइव ओ एन ए। ये रिएक्शन पूरी अच्छे से करोगे। दूसरा सवाल है सी टू एच फाइव ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ और सी एस टू और सी डबल बॉन्ड ओ और सी टू एच फाइव और प्लस सी टू एच फाइव ओ एन ए। और आपको ये भी बताना है कौन आसानी से इनोलेट आयन बना लेगा। आपको ये भी बताना है इसमें कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन आसानी से अल्फा हाइड्रोजन बना लेगा। कुलदीप सिंह शेखावत नमस्कार, नमस्कार बेटा नमस्कार। और जो भी टापर या टापरी जो टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीपी सर, केमिस्ट्री क्लासेस बाय डीपी सर। हाँ जी, लिख दिया ये दोनों, लिख दिया ना भी। अयांश ओके सर, ठीक है भी। तो ये दो सवाल आपको करने हैं। कल मैं इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। एग्जाम में यहां से एक सवाल आया था, वो सवाल भी कराऊंगा। एग्जाम में एक सवाल आया था यहां से, वो सवाल भी कराऊंगा। तो आज इतना ही, डेली 8 बजे लाइव रहा करो, डेली 8 बजे लाइव रहा करो, ठीक है भी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। बाय बाय, बाय बाय। और लिंक को आगे शेयर कर दिया करें, लिंक को आगे शेयर कर दिया करें। ठीक है भी, आज इतना ही, कल मिलते हैं 8 बजे।